जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कॉम प्लस पे। तो दोस्तों, जैसे पीछे की क्लास के अंदर हमने हरियाणा जीके में हरियाणा के गठन के टॉपिक को स्टार्ट किया था और पहली क्लास में समझा था कि हरियाणा का गठन जो है किस आधार पे होता है, कितने पार्ट में पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको ओपन करके एक बार पहले पार्ट को पढ़ लीजिए। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था 1600 से लेके 1858 तक हरियाणा, यानी इसमें ये देखा था कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, फिर वो भारत में व्यापार करने आती है, और जब भारत में व्यापार करने आती है तो 1803 में लसवारी की लड़ाई होती है, उसके बाद सुरजी अंजन गांव की संधि होती है 1803 में। जब संधि होती है तो फिर हरियाणा पे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता है और पूरे हरियाणा पे 1809 और 10 में अधिकार होता है। और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद देखा था कि 1833 में हरियाणा को यूपी में मिलाया जाता है और 1857 की क्रांति के बाद फरवरी 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है, यानी पहले पार्ट को हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया जाता है फरवरी 1858 में, तो 1858 से लेके 1947 तक हरियाणा के गठन को लेके क्या प्रोसेस रहा था। पहले तो हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, हरियाणा जब पंजाब में शामिल होता है और आज़ादी से पहले जो है हरियाणा जो है, इसको हम पढ़ने का कार्य करेंगे। देखो दोस्तों, 1858 में जब हरियाणा को पंजाब में मिला दिया जाता है तो भाषा को लेके विवाद शुरू हो जाता है। क्या कहाँ से विवाद होता है एक बार देखो, और कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। बात आती है 1926 की, 1926 में दोस्तों होता है एक अधिवेशन। अधिवेशन कौन सा रहेगा? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1926 की मैं बात कर रहा हूँ। ये अधिवेशन 1926 में कहाँ पे होता है? दिल्ली में, यानी दिल्ली में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन रखा जाता है। और इस अधिवेशन के अंदर ये बात रखी जाती है कि पंजाब हरियाणा जो है दोनों अपने क्षेत्र में अलग है, यानी पंजाब तो अलग है और हरियाणा अलग है, दोनों अपने क्षेत्र में अलग है, ना इनका पहनावा है ना इनकी भाषा मिलती है, कुछ भी मैच नहीं होता है। इसीलिए आप क्या करो, हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिला दो? दिल्ली में मिला दो। ये बात कब की आती है? 1926 की बात है दोस्तों। किस अधिवेशन में उठाई जाती है? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उठाई जाती है। 1926 की बात आती है। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो व्यक्ति कौन रहेगा इसके अंदर? एक व्यक्ति का नाम रहेगा परीजादा, परीजादा मोहम्मद हुसैन। आप नोट करना, 1926 में परीजादा मोहम्मद हुसैन नामक मुस्लिम व्यक्ति ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। 1926 के अंदर एक स्वागत समिति बनाई जाती है, उसके अध्यक्ष थे परीजादा मोहम्मद हुसैन। उसने ये बात कही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिला दो? दिल्ली में मिला दो। 1926 की बात है दोस्तों। उसके बाद इतिहास रहेगा गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन, यानी सिंपल भाषा के अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता था वो ब्रिटेन के अंदर होता था, जिसके अंदर ब्रिटेन के अधिकारी होते थे और इसमें कुछ भारतीय लोग शामिल होते थे। क्या भारत के अंदर समस्या है, क्या पॉलिसी बनानी है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर डिस्कस होती थी। गोलमेज सम्मेलन अगर आपको याद रखना है हरियाणा के गठन को, तो आपको इसके अंदर तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप याद रख लेना दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन तीन होते हैं। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तीन, और तीनों लगातार हुए थे। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। यानी बेसिक पॉइंट तो आपको याद रखना जरूरी है कि गोलमेज सम्मेलन कितने होते हैं? तीन होते हैं, 1930, 31 और 32।
अब तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय अगर पूछे तो वो तो रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो V.R. अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इसमें भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ने की थी, जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। अब महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया हुआ था, तो महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। इधर भारत में वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और एक समझौता होता है जिसको क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता आपको दोस्तों नोट करना है, ध्यान रखना है, 1931 में होता है। और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यानी महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन रहेगा, कब हुआ था, 1931 में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक व्यक्ति रहेगा, अंग्रेज व्यक्ति, उसका नाम था जोफ्री कार्बेट। जोफ्री कार्बेट एक अंग्रेज व्यक्ति था दोस्तों। इसने एक बात कही थी कि हरियाणा को ना तो पंजाब में शामिल करो, ना हरियाणा को दिल्ली में रखो, हरियाणा एक अलग प्रदेश बना दो। यानी कि सर्वप्रथम हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग किस गोलमेज सम्मेलन में उठाई जाती है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन व्यक्ति होता है, जोफ्री कार्बेट नामक व्यक्ति ने उठाई थी, कब उठाई थी, 1931 में। ये प्रोसेस रहा था हरियाणा में पंजाब का जो है अलग राज्य बनाने को। यानी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना आपको याद रखना है। 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन में परीजादा मोहम्मद हुसैन ने एक बात कही थी कि हरियाणा को किस में मिला दो, दिल्ली में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जोफ्री कार्बेट ने एक बात कही थी कि हरियाणा एक अलग ही राज्य बना दो। उसके बाद बार छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 1942 में, तो हरियाणा के लोगों का ध्यान केंद्रित जो है आज़ादी की ओर हो जाता है, क्योंकि ये लोग सोचते हैं पहले हमारे लिए आज़ादी ज़रूरी है, न कि एक अलग राज्य। और 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। तो दूसरे पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे दोस्तों कि जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग प्रदेश बनता है। तो 1947 से 1966 तक हरियाणा के गठन को लेके क्या प्रोसेस रहा था, कौन सा आयोग बना, कौन सी समिति बनी, किस व्यक्ति की अहम भूमिका रही है, इसको हम जानने का कार्य करेंगे। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट देखो क्या होता है। 1947 से 1966 तक हरियाणा के गठन को हम पढ़ेंगे, 1947 से 1966। आज़ादी के बाद जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद पंजाब के पहले सीएम कौन बने, पंजाब के प्रथम सीएम। तो दोस्तों पंजाब के प्रथम सीएम रहेंगे गोपी चंद भार्गव। यानी पंजाब के पहले सीएम बनते हैं गोपी चंद भार्गव 1947 के अंदर। गोपी चंद भार्गव का जन्म कहाँ पे हुआ था, सिरसा के अंदर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ चुका है कि पंजाब के पहले सीएम गोपी चंद भार्गव का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अपने सिरसा की साहित्यिक नगरी सिरसा के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1947 के बाद क्या प्रोसेस रहेगा एक बार वो देखो। यहाँ पे बात रहेगी 1948 की, कब की रहेगी, 1948 की। 1948 के अंदर अब यहाँ पे एक व्यक्ति आते हैं, मास्टर तारा सिंह। और 1948 में दोस्तों मास्टर तारा सिंह ने एक पत्र लिखा था, अजीत पत्र। इससे पहले हम जो भी घटना देखी थी, हमने यही चीज़ देखी थी कि हर कोई व्यक्ति मांग कर रहा था कि हरियाणा एक अलग प्रदेश बनाओ। सर्वप्रथम पंजाब को अलग बनाने की मांग उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने। यानी इसने किसकी मांग की थी,
पंजाबी सूबे की। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी, तो मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। कब उठाई थी? 1948 यानी 1948 में उठाई जाती है। और किस पत्र के माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी, तो आपको नोट करना है दोस्तों, अजीत पत्र के माध्यम से इसने मांग उठाई थी। और पंजाबी सूबे का अध्यक्ष भी किसे बनाया जाता है, तो अध्यक्ष भी मास्टर तारा सिंह को बनाया जाता है, यानी पंजाबी सूबे के प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है मास्टर तारा सिंह को, 1948 की बात। अब इधर पंजाब के अंदर पंजाब के दूसरे सीएम आते हैं भीमसेन सच्चर। अब यहाँ पे भीमसेन सच्चर जो बने थे वो पंजाब के दूसरे सीएम बनते हैं, वो क्या प्रोसेस करते हैं उसको समझेंगे हम। भीमसेन सच्चर, अब भीमसेन सच्चर नया नया सीएम बना था, उसके सामने समस्या थी कि कैसे पंजाब हरियाणा का बंटवारा करना है, क्योंकि दोनों राज्य जो है उग्र हो चुके थे, अपने अपने प्रदेश की मांग कर रहे थे। 1948 के अंदर जो है मास्टर तारा सिंह ने अजीत पत्र के माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग कर दी। अब भीमसेन सच्चर 1949 के अंदर एक फार्मूला लागू करता है, सच्चर फार्मूला। यानी पहला क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि सच्चर फार्मूला किस वर्ष लागू हुआ था। सच्चर फार्मूला दोस्तों आपको नोट करना है 1949 यानी 1949 के अंदर भीमसेन सच्चर ने अपने नाम पे सच्चर फार्मूला दिया था। इस फार्मूले में क्या प्रावधान इसने रखा था, एक बार वो समझने का कार्य करते हैं। देखो दोस्तों, इसने कहा था ये पूरा जो पंजाब है इसको अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमने अलग बना दिया है तो कल को पानी के बंटवारे को लेके, सीमा को बंटवारे को लेके इसमें प्रॉब्लम रहेगी भविष्य के अंदर। हम ऐसा करते हैं इसी पंजाब के अंदर जो है दो क्षेत्र बना देते हैं, दो क्षेत्र, जिसमें से एक क्षेत्र तो रहेगा हिंदी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ अच्छा हिंदी, और एक क्षेत्र रहेगा पंजाबी। भीमसेन सच्चर ने 1949 के अंदर सच्चर फार्मूले में ये बात कही थी कि हम दो फार्मूले के अंदर दो क्षेत्र बना देते हैं पंजाब के। हिंदी क्षेत्र जो रहेगा इनकी पहली भाषा रहेगी हिंदी और दूसरी भाषा रहेगी पंजाबी, इसका अपोजिशन रहेगा पंजाबी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र में पहली भाषा हम पंजाबी कर देते हैं, दूसरी भाषा क्या कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं, जिससे ना तो उनके क्षेत्र को कुठाराघात रहेगा ना उनकी भाषा को कुठाराघात रहेगा। 1949 की बात है, लेकिन लोगों को सच्चर फार्मूला पसंद नहीं आया था और एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि पंजाब को हिंदी क्षेत्र व पंजाबी क्षेत्र में किस फार्मूले के तहत बांटा गया था, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, सच्चर फार्मूला 1949 के अंदर। इतना पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा दोस्तों, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों जैसे आपने शायद पढ़ा भी होगा कि भाषा को लेके जब विवाद होता है तो सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषा को लेके जब विवाद शुरू होता है तो सर्वप्रथम क्या प्रोसेस रहता है, इसको हम समझने का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति रहेगा फजल अली, सर्वप्रथम जो है फजल अली जो है ये 1953 के अंदर बात रहेगी, तो उसके नाम के ऊपर जो है एक आयोग बनाया जाता है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो है इसका कार्य क्या था, पहले तो आपको समझना है कि फजल अली आयोग जो है कब बना था, 1953 में, 1953 में बना था। अब भारत सरकार के सामने चैलेंज था कि भाषा के आधार पर हमें कैसे राज्यों का विभाजन करना है, इसका काम था पूरे भारत का आपको भ्रमण करना है और देखना है कौन कौन से राज्य भाषा के आधार पे अलग करने हैं और कौन से ऐसे राज्य हैं जो भाषा के आधार पे अगर अलग न करे तो हमारा काम चल सकता है। अब इसी के इसका काम था राज्यों का पुनर्गठन करना, इसीलिए इस आयोग को क्या कहा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब कलर्क का एग्जाम था दोस्तों,
एग्जामिनर ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाला था कि राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। ऑप्शन ए था 1952, दूसरा था 54, तीसरा था 56 और चौथा था 58। ये दिसंबर के लास्ट में बनता है, 29 दिसंबर 1953 को इसका गठन होता है, इसीलिए एग्जामिनर ने इसका राइट आंसर क्या माना था, 1954। मैं हरियाणा के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर आगामी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए और सेम ऐसे ही ऑप्शन एग्जामिनर पुट कर दे तो आपको आंसर क्या दे के आना है, 1953। किस केस में, जब 1954 आंसर देना है, किस केस में देना है, जब 1953 ऑप्शन में न हो। अगर 53 ऑप्शन में है तो सिंपल सी बात है, 53 आपका सही होगा, अगर 53 ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर क्या देना है, 1954। आई होप इतना पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, फजल अली जो है हरियाणा में भी आता है, हरियाणा के कुछ एमएलए और पंजाब के एमएलए जो है इसको एक रिपोर्ट अपनी सौंपते हैं। अब फजल अली आयोग जो है 1956 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है और 1956 के अंदर जो है हरियाणा में पंजाब का नाम नहीं आता है। इसमें कितने राज्य बने थे, 14 राज्य बने थे और केंद्र शासित प्रदेश बने थे 6, यानी 6 यूनियन टेरिटरी और 14 राज्य बने थे सर्वप्रथम 1956 के अंदर, जिसमें हरियाणा व पंजाब का नाम नहीं आया था। अब यहां से फिर विवाद शुरू हो जाता है, अब विवाद कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखो दोस्तों 1956 के बाद जो है अब नेक्स्ट इधर से हिंदी क्षेत्र से विवाद शुरू हो जाता है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। बस लोगों की एक ही मांग थी कि हिंदी क्षेत्र जो बनाया जाए हरियाणा के लोगों के लिए बनाया जाए और पंजाबी क्षेत्र जो है वो किसके लिए बनाया जाए, पंजाब के लोगों के लिए बनाया जाए। ये कब की बात रहेगी, 1956 के बाद की बात है। इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन याद करने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको नोट करना है कि हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन रहेंगे, हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष, तो हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष थे बलवंत तायल और पंजाबी क्षेत्र या पंजाबी सूबे के अध्यक्ष कौन रहेंगे, मास्टर तारा सिंह। अच्छा मैं एक पॉइंट और भी क्लियर करवा देता हूं, हिंदी क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया था संत फतेह सिंह ने, लेकिन आपको हिंदी क्षेत्र के अंदर एक एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे कि हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे, फिर आपको संत फतेह सिंह आंसर नहीं देना है, आपको आंसर दे के आना है बलवंत तायल। समझ रहे हो इस चीज को, यानी हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन रहेंगे, बलवंत तायल, पंजाबी क्षेत्र के कौन रहेंगे, मास्टर तारा सिंह रहेंगे। 1957 की ये बात आती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दोस्तों 1957 के अंदर, सॉरी 1965 में एक समिति बनाई जाती है, उस समिति का नाम रहेगा सरदार उकम सिंह समिति, सरदार हुकम सिंह समिति। एग्जामिनर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि सरदार हुकम सिंह समिति किस वर्ष गठित हुई थी, तो कब गठित होती है, 1965 में। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पे हरियाणा व पंजाब का विभाजन हुआ था, तो समिति की सिफारिश अगर पूछे कौन सी रहेगी, सरदार हुकम सिंह समिति। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, सरदार हुकम सिंह समिति बनती है 1965 के अंदर और इस समिति की सिफारिश पे एक आयोग बनता है, उस आयोग को हम जानने का कार्य करेंगे। देखो कौन सा आयोग बना था, आयोग दोस्तों कौन सा बनता है, आयोग बनता है शाह आयोग। कब बनता है, यह बनता है 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग बनता है। शाह आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जेसी शाह, एक गुजरात का व्यक्ति था जिसका नाम था जेसी शाह।
पूरा इसका नाम अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, इसका पूरा नाम रहेगा जयंता लाल, पूछता तो नहीं है एग्जामिनर लेकिन फिर भी आप नोट कर सकते हो, जयंता लाल छोटा लाल शाह। जयंता लाल छोटा लाल शाह जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके प्रेसिडेंट भी कौन थे, जेसी शाह थे। इसमें तीन व्यक्ति थे दोस्तों, एक तो थे इसके अंदर थे जेसी शाह, दो व्यक्ति और कौन रहेंगे, एक व्यक्ति था एम एम फिलिप और तीसरा व्यक्ति कौन रहेगा, तीसरा व्यक्ति था एस दत्त, यानी एस दत्त एम एम फिलिप जेसी शाह तीन व्यक्ति इसके अंदर रहेंगे, जिसके अंदर जयंता लाल छोटा लाल शाह जो है इसके हेड रहेंगे। इसके नाम के ऊपर इसका नाम दिया गया था शाह आयोग, इसको आप शाह समिति भी बोल सकते हो, शाह कमीशन भी बोल सकते हो, तीनों एक ही बात है। जेसी शाह आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट को जो है कब पेश किया जाता है, अगर पूछे कि जेसी शाह आयोग या शाह आयोग की रिपोर्ट को संसद में कब पेश किया जाता है, तो इसको पेश किया जाता है 31 मई 1966 को। 31 मई 1966 को एक रिपोर्ट सौंपी जाती है संसद के अंदर, इसको नाम दिया जाता है पंजाब पुनर्गठन एक्ट। पंजाब पुनर्गठन एक्ट जो है लोकसभा में रखा जाता है। अगर पूछे कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको नोट करना है दोस्तों 18 सितंबर 1966 को इसे पास कर दिया जाता है, यानी पारित कर दिया जाता है। और इसमें यह प्रावधान रखा जाता है कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है एक अलग राज्य होगा, यानी हरियाणा प्रदेश हम बचपन से जो पढ़ रहे हैं 1 नवंबर 1966 को, उसके लिए इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था दोस्तों। देखो कितनी सारी समिति बनी थी, शाह आयोग बना था, इधर सरदार हुकम सिंह समिति बनी थी, इससे पहले भी हमने देखा था क्या प्रोसेस रहा था। आपको कितने सारे पॉइंट याद रखने हैं, एक बार हम उसका जो है फास्टली रिविजन ले लेते हैं। देखो आज की क्लास में दोस्तों हमने समझा था कि 1858 के बाद क्या होता है, 1926 में सर्वप्रथम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, परीजादा मोहम्मद हुसैन ने स्वागत समिति की अध्यक्षता की थी। इसने एक बात कही थी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके किस में मिला दो, दिल्ली में, और हरियाणा को जो है अलग राज्य की मनाने की मांग किस व्यक्ति ने उठाई थी, जोफ्री कार्बेट ने। कब उठाई थी, 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि आज़ादी के बाद पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे, गोपी चंद भार्गव। जन्म कहाँ पे हुआ था, सिरसा के अंदर। सर्वप्रथम पंजाबी सूबे की मांग किसने उठाई थी, मास्टर तारा सिंह ने। कब उठाई थी, 1948 में। पत्र कौन सा रहेगा, अजीत पत्र। और पंजाबी सूबे के अध्यक्ष भी कौन रहेंगे, मास्टर तारा सिंह। हरियाणा और पंजाब को दो भागों में किस फार्मूले में बांटा गया था, सच्चर फार्मूले में। कब लागू होता है, 1949 के अंदर। और दूसरा हमने देखा था कि फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ था, दिसंबर 1953 के अंदर। नेक्स्ट हमने प्रावधान देखा था दोस्तों कि हिंदी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन रहेंगे, बलवंत तायल। और पंजाबी क्षेत्र के अध्यक्ष कौन रहेंगे, मास्टर तारा सिंह। सरदार हुकम सिंह समिति कब बनती है, 1965 में बनती है। और शाह आयोग कब गठित हुआ था, 23 अप्रैल 1966 को। शाह आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, जेसी शाह, जिसका पूरा नाम जयंता लाल छोटा लाल शाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से करते हैं। और पंजाब पुनर्गठन एक्ट को लोकसभा में कब रखा जाता है, 31 मई 1966। पारित कब किया जाता है, 18 सितंबर 1966। हरियाणा अलग राज्य कब बनता है, 1 नवंबर 1966। आई होप इतना पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसके अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखो। आगे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा का गठन किस आधार पे हुआ, और ऑप्शन में डाल देता है जनसंख्या के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हरियाणा का गठन किस आधार पे होता है, लड़ाई सिर्फ थी भाषा को लेके, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र बनाने की। तो क्षेत्र कौन सा रहेगा, भाषा को लेके जो है गठन होता है। हरियाणा और पंजाब जो है दोनों अलग अलग राज्य बनते हैं। अब अलग जब राज्य बनते हैं
तो इसके अंदर क्या प्रोसेस रहा था, थोड़ा सा इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि हरियाणा और पंजाब जब अलग राज्य बनते हैं तो हरियाणा को पंजाब का कितना हिस्सा मिला था। तो इसमें आप नोट करना है दोस्तों, हरियाणा को पंजाब का हिस्सा मिला था 35.18%, 35.18%, जो वर्तमान के अंदर कितना रहेगा, वर्तमान में रहेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर, यानी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना आता है, 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हो फिर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन हरियाणा से आप बिलोंग करते हो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी तो कॉमन नॉलेज होना जरूरी है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना रहेगा 44,212, और हरियाणा का गठन होता है तो पंजाब का हिस्सा कितना मिलता है 35.18। दूसरा सेकेंड समझना है दोस्तों आपको कि जब हरियाणा का गठन होता है तो गठन के समय विधानसभा सीट कितनी थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी, 54 सीटें, यानी गठन के समय 54 सीटें थी, कितनी सीट आरक्षित रहेगी, 10, यानी हरियाणा के गठन के समय कुल 54 सीटें थी जिसमें से 10 सीट रिजर्वेशन थी। ये बात है 1966 की। दूसरा सेकंड देखो दोस्तों, दूसरा एग्जामिनर द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आज तक कि हरियाणा के गठन के समय विधानसभा अध्यक्ष या हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, इसको इंग्लिश में लिख दिया जाता है कई बार स्पीकर। तो हरियाणा की प्रथम स्पीकर पूछे तो सैस स्पीकर बनेगा, सैस ये बनेगा सन्नो देवी। तो हरियाणा की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहेगी सन्नो देवी, और ये सन्नो देवी देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें भी आपको याद रखना है दोस्तों, देश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सन्नो देवी रहेगी। दो तीन चीज आपको और याद रखनी है, क्या याद रखना है, हरियाणा व पंजाब का जब गठन होता है तो जिले कितने रहेंगे, जिले हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। पहले जब कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होता था, एग्जामिनर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था कि हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे या कितनी विधानसभा सीट थी। आज जब कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो एग्जामिनर थोड़ा सा डीपली बना देता है, इसको पूछ लेता है कि निम्न में से हरियाणा के गठन के समय कौन सा जिला नहीं था। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हो। कैसे याद करेंगे, देखो याद करेंगे दोस्तों ट्रिक से, ट्रिक हमारी रहेगी हरियाणा के गठन के समय जिले याद करने की, अक्रम जगह, यानी हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे जिनको याद करने की ट्रिक है अक्रम जगह। ऐसे हमारा रहेगा अंबाला, अंबाला कैसे बनेगा, करनाल, रह से बनेगा रोहतक, मैं से बनेगा महेंद्रगढ़, जैसे बनेगा जींद, गै से बनेगा गुरुग्राम, और है से रहेगा हिसार। बस कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल है। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, याद करने की ट्रिक रहेगी अक्रम जगह, ऐसे अंबाला, कैसे करनाल, रैसे रोहतक, मै से महेंद्रगढ़, जैसे जींद, गै से गुरुग्राम, है से हिसार। इनमें भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था। नोट करना है आपको, मैं गठन के समय की बात कर रहा हूं, हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा रहेगा, हिसार। वर्तमान में तो सिरसा आता है, लेकिन गठन के समय कौन सा रहेगा, हिसार। और हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला पूछे तो कौन सा रहेगा, जींद। यानी दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा और याद रखने हैं, गठन के समय सबसे छोटा कौन सा रहेगा, जींद, और हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, हिसार। और लास्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब हरियाणा का गठन होता है तो प्रथम सीएम कौन बनते हैं, पहले मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप सीएम। तो प्रथम सीएम दोस्तों आपने रहेंगे पंडित
भगवत दयाल शर्मा, शॉर्ट फॉर्म में आप नोट कर सकते हो वीडी शर्मा, या पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री या हरियाणा के पहले सीएम बने थे। तो ये हरियाणा का गठन दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जानेंगे कि हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट हमने देखी है, तो देखेंगे कब सीटों को बढ़ाया जाता है और क्या प्रोसेस रहा था। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना, और आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ओके, थैंक यू।